जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार से समर्थन वापस लेने और पीडीपी से गठबंधन तोड़ने के बाद भाजपा अपनी अगली योजना पर काम करने लगी है। 23 जून को पार्टी जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर एक विशाल रैली करने जा रही है। बदले राजनीतिक घटनाक्रम में यह रैली अहम हो गई है। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रायना ने मीडिया को बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर होने जा रही इस रैली को अमित शाह संबोधित करेंगे। इसमें वो पार्टी की आगामी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। घाटी में सीज फायर समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों ने सख्ती शुरू कर दी है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया। ऑपरेशन फिलहाल जारी है। यहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को घेरा था, जिसमें 2 मुठभेड़ में मार गिराए गए। डीजीपी डॉक्टर SP वैद ने ट्वीट कर 2 आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की है। पुलवामा जिले के हयाना त्राल में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने घेरेबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। इस बीच घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। फायरिंग होते ही सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें 2 आतंकी मार गिराए गए। डीजीपी डॉक्टर SP वैद ने ऑपरेशन में लगे जवानों को बधाई दी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। उधर दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने एक सब्जी विक्रेता को गोली मारकर घायल कर दिया। इसकी शिनाख्त श्री गुफावारा के जावेद अहमद वाजा को दोपहर बाद गोली मारी गई। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। SSP अल्ताफ खान ने बताया कि घटना की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की छानबीन जारी है। हार्ले डेविडसन इंडिया अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली स्ट्रीट सीरीज मॉडल्स पर बिना ब्याज पर फिनांस स्कीम की पेशकश कर रही है। कंपनी हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 और हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड पर बिना ब्याज के फिनांस स्कीम दे रही है। बता दें कि ये ऑफर केवल जून महीने के अंत तक ही उपलब्ध है। इतना ही नहीं, हार्ले डेविडसन डीलरशिप्स पर कोई भी मोटरसाइकिल खरीदने पर एसेसरीज के लिए 50,000 रुपये स्टोर क्रेडिट दिए जा रहे हैं। आसान शब्दों में समझिए कि आपको 50,000 रुपये की एसेसरीज फ्री में मिलेगी। ग्राहक इस ऑफर का लाभ सिर्फ 36 महीने की लोन अवधि पर ही उठा सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को अपने आवास पर राष्ट्रीय भाजपा नेताओं और पार्टी के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करते हुए बीजेपी ने वहां की पीडीपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कश्मीर में राजनीतिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि रमजान के दौरान सरकार की तरफ से किए गए एक तरफा संघर्ष विराम का घाटी पर क्या असर पड़ा है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के बाद भाजपा ने महबूबा मुफ्ती सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पार्टी के महासचिव अशोक कौल भी शामिल हुए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कश्मीर की पीडीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार में कुछ मुद्दों पर मतभेद चल रहे थे। दुनिया भर को अचरज में डालने वाले फैसले में डोनाल्ड ट्रंप के शासन वाले अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता को अलविदा कह दिया है। अमेरिका के इससे बाहर होने के बाद यून में देश की स्थायी प्रतिनिधि निकी हेली ने कहा कि ढोंग करने और खुद के स्वार्थ को पूरा करने वाली ये बॉडी मानवाधिकारों का मजाक उड़ाती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। गोयल ने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों ने रोहित वेमुला की मौत के बाद उनकी मां का राजनीतिक इस्तेमाल किया। मां के साथ जो वादे किए उन्हें भी नहीं निभाया। इस घटिया स्तर की राजनीति के लिए राहुल को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे पहले रोहित की मां ने बताया था कि मुस्लिम लीग ने उन्हें 15 लाख रुपये देने का वादा किया था। इसमें से 2.5 लाख के 2 चेक दिए गए पर एक चेक बाउंस हो गया। अब लीग दोबारा चेक देने जारी है। भारत सरकार के एक शीर्ष अधिकारी का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर 28% का अधिकतम कर लगता है। साथ में राज्य सरकारें इस पर कुछ मात्रा में वैट या फिर अतिरिक्त बिक्री कर वसूलती हैं। जब पेट्रोल और डीजल GST के दायरे में आ जाएंगे तब भी कर वसूलने का तरीका यही रहेगा। GST दर और वैट की दरें मिलकर वर्तमान टैक्स की दरों के बराबर ही रहेगी। इन दरों में
उत्पाद कर भी शामिल होता है जिसे केंद्र सरकार वसूलती है जबकि वैट राज्य सरकारें वसूलती हैं। जीएसटी काउंसिल के एक अधिकारी ने बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से पहले केंद्र सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि क्या वह 20,000 करोड़ रुपए की टैक्स से होने वाली आय को त्यागने के लिए तैयार है। राजकुमार हिरानी ने हाल ही में ये बात स्वीकारी है कि उनके जहन में संजय दत्त के किरदार के लिए हमेशा से सिर्फ एक ही नाम था, वो है रणबीर कपूर। अगर रणबीर फिल्म को करने से मना कर देते तो वे ये फिल्म बनाते ही नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में रणबीर के अलावा किसी और का ख्याल आ ही नहीं रहा था। लेकिन इसी फिल्म के निर्माता विधि विनोद चोपड़ा ने हाल ही में हुई एक बातचीत में बिल्कुल अलग बात रखी है। विधु ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जब पहली बार रणबीर कपूर के बारे में राजू हिरानी ने उन्हें बताया था तो उनकी चाहत नहीं थी कि उनको फिल्म में कास्ट किया जाए। उन्हें लगा कि रणबीर कपूर रोल में फिट नहीं होंगे, बल्कि उन्हें रणबीर सिंह जैसे स्टार को कास्ट करना चाहिए। विधु मानते हैं कि जब उन्होंने शूटिंग शुरू की और उन्होंने रणबीर कपूर को काम करते देखा तो महसूस किया कि वो गलत थे। फुटबॉल विश्व कप में मेक्सिको की जर्मनी पर जीत के बाद प्रशंसकों के जश्न से यहां कृत्रिम भूकंप आने का एक ट्वीट वायरल हुआ था, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक कोई भूकंप नहीं आया था। रविवार को खेले गए इस मैच में मेक्सिको ने डिफेंडिंग चैंपियन जर्मनी को 1-0 से हराया था। मेक्सिको की एक संस्था SIMMSA ने मैच के समय ट्वीट किया था, मेक्सिको सिटी में कृत्रिम भूकंप का पता चला है। ऐसा संभवतः विश्व कप मैच के दौरान हुए गोल के बाद लोगों के कूदने से 11:32 पर हुआ। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में इंग्लिश टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 481 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा टीम स्कोर का नया विश्व रिकॉर्ड रहा। इससे पहले भी ये विश्व रिकॉर्ड इंग्लैंड के ही नाम था, जो उसने करीब 2 साल पहले इसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट पर 444 रन के साथ बनाया था। इसके बाद इंग्लिश टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 37 ओवर में 239 रनों पर ऑल आउट करके ये मैच 242 रनों से जीता। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली। इतनी बड़ी हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टीम पेन ने कहा कि ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल दिन रहा।